पहले जमजम से ज़बा अपनी फुला करती है। क्या बात, बिल्कुल 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 थोड़ा सा आप कैसे खरीद करना है, अल्लाह ने तौफीक अता लोगों को कितना नवाजा है, मैं इनको अपने हुनर के जरिए से मैं इन्हें कब्जा कर सकता हूँ। तो शेर समाप्त कर ले कि पहले समझम से ज़बा अपनी फुला करती है जितनी या नामे मोहम्मद पहले समझम से ज़बा अपनी फुला करती है तितलियां नामे मोहम्मद जो लिया करती है, मछलियां आकर समंदर के किनारे उससे नाद सरकारे तो आलम। वाह वाह सुभान समंदर के किनारे मुझसे नाद सरकारे दो आलम की सुना करती है, जिनके दरवाजे पर लिखा है मेरे गौस का नाम। बोल दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और बेदारी के साथ कह दे या रसूल अल्लाह जिनके दरवाजे पर लिखा है मेरे गौस का नाम, बरकते उनके मकानों में रहा। वाह इनके दरवाजे पर लिखा है मेरे गौस का नाम, बरकते उनके मकानों में रहा करती है। इस कबीले का अखीर शेर पढ़ता हूँ, इस अखीर शेर को सुनने के बाद मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि सुभान अल्लाह कहो, अब यहाँ से वहाँ तक जितने लोगों पर आला हजरत का एहसान है, बरेली के इमाम का एहसान है, आज हम अपने बाप की ताज़ीम करते हैं, आज हम अपने नबी पर खड़े होकर सलाम पढ़ते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ तन्हा आला हजरत का एहसान है, वरना हमको ये सब तरीका मालूम नहीं था। मैं अखीर शेर पढ़ता हूँ, अब जिनको जिनको आला हजरत से मोहब्बत है, जिन पर आला हजरत का एहसान है, जो आला हजरत का सदका खाते हैं, वो सुन्नी जरूर बोलेगा सुभान अल्लाह। जिनके दरवाजे पर लिखा है मेरे गौस का नाम, बरकतें उनके मकानों में रहा करती है, और लगाता है जब कोई नारा आला हजरत का। क्या बात है, लगाता है जब कोई नारा आला हजरत का, आला हजरत का, तो टोपियां आज तक के मुल्ला की उड़ा करती है। क्या बात, क्या बात, लगाता है जब कोई नारा आला हजरत का, टोपियां आज तक के मुल्ला की उड़ा करती है। मैं यहाँ के तमाम सुन्नी नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और इस गांव वालों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, तमाम आए हुए सामईन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बस चलते चलते एक और शेर सुन ले, उसके बाद हिंदुस्तान का एक लहजा, हिंदुस्तान का एक बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन लहजा, एक अच्छा तरन्नुम, उर्दू शायरी की दुनिया में अलग पहचान रखने वाला, अपने आप को अपने हौसले और अपनी हिम्मत से कुरान भरने वाला एक लहजा आपके हवाले हो जाएगा। एक और शेर समाप्त कर ले, इमाम हुसैन की बारगाह में पढ़ता हूँ, सारे लोग कहते जरा बेदारी के साथ या हुसैन, और बेदारी के साथ जब मुहर्रम की 10 तारीख आती है तो कैसे लगाते हैं, उसी अंदाज से बोले या हुसैन या हुसैन, और बेदारी के साथ या हुसैन या हुसैन, बुलंद जिसका भी होगा शऊर बोलेगा, जिसे पीना है शराबे तहूर बोलेगा, ज़बाने इश्क पर पाबंदियां नहीं लगती, नबी के नाम पर सुन्नी जरूर बोलेगा, सुन्नी जरूर बोलेगा। शेर समाज का है कि हर एक आंख वाला कहेगा हुसैन लिखा है, हर एक आंख वाला कहेगा हुसैन लिखा है, हर देखने वाला पढ़ेगा हुसैन लिखा है। अगर हुसैन पाक से माफ पाते तो बेदारी के साथ कहते हैं या रसूल अल्लाह, बस ये पहली मर्तबा है, इसलिए इसके बाद फिर मैं जैसा हजरत मौलाना असदुद्दीन साहब का हुक्म होगा मैं उनके हुक्म के मुताबिक पूरी रात सफर करता रहूंगा। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि अल्लाह ने तुझे ये जबान इसलिए नहीं दी है कि अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करो, बल्कि इसलिए दी है कि रब की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करो। अगर अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहते हो तो अपनी जबान लेकर के आ, रब की दी हुई जबान अल्लाह को वापस कर दे, अपनी जबान लेकर के आ, फिर जैसी मर्जी इस्तेमाल करते रहना। ये जबान मिली है हमें अल्लाह को पाक कहने के लिए, नबी के नाम पर जिक्र अज़कार करने के लिए, नबी की तारीफ और तौसीफ बयान करने के लिए। सारा पूरी ईमानदारी के साथ अमना की इस हसीन जमीन पर हबीब खुदा कॉन्फ्रेंस में बैठकर आए हुए सुन्नी मुसलमान पूरी जज्बातीनी के साथ कह दें सुभान अल्लाह और बेदारी के साथ या रसूल अल्लाह, एक एक आंख वाला कहेगा हुसैन लिखा है, हर देखने वाला पढ़ेगा हुसैन लिखा है, हसीन लिख कर तू देख सफेद कागज पर, हसीन लमा मुर्शिदा, हसीन लिख कर तू देख
सफेद कागज पर कसम खुदा की लगेगा हुसैन लिखा है। कसम खुदा की लगेगा हुसैन लिखा है।